हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम वो पढ़ रहे हैं जिसका हमें इंतज़ार था। हाँ जी, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। हमने अब तक मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा, उनका डेवलपमेंट पढ़ा, फिर हमने पॉलिनेशन भी पढ़ा, और अब हम आ पहुँचे हैं फर्टिलाइजेशन पे, जिसके लिए हमने इतनी सारी तैयारियाँ की थी। तो चलिए पढ़ दें। देखो, सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ये बस आपको मैं डिक्टेट कर देता हूँ अगर आपको नोट ही करना है तो। लेकिन बहुत इजी सी बात आपको पता होगा कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो पॉलिनेशन हुआ और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड हुआ। ये प्रोसेस ध्यान से सुनना, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लेना, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे तो आपको ज़रूर ज़रूर पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो पॉलिनेशन में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन लैंड हुआ स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद वो क्या करता है, वो वहाँ से शुगर और स्टार्च का सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब एब्जॉर्ब कर लिया उसने, और अब क्या होगा, जैसे हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, बहुत सारा हमें चर्बी आ जाती है, वो चर्बी तोंद की फॉर्म में दिखती है, तोंद आ जाती है ना, तो वैसे ही पोलन ग्रेन जो है उसमें तोंद आ जाती है। तोंद आ जाती है मतलब क्या बोल रहे हो, देखो उसमें जो इंटाइन होती है ना, अंडर थिन इलास्टिक लेयर, अंदर वाली थिन इलास्टिक लेयर जो सेल्यूलोज की, पैक्टोज की या पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है, वो इंटाइन, ये जो कई स्पेसेस होते हैं ना, जर्म पोर्स जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, यानी जहाँ पर स्पोरोपोलिन की थिकनिंग नहीं होती, जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता, जिन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं, उन जर्म पोर्स के थ्रू ये बाहर निकलती है और ऐसी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसी को लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब कब बनेगी, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, और फिर क्या होगा, ये पोलन ट्यूब बनेगी, ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ बनती है, ये स्टाइल है, ये पोलन ग्रेन यहाँ एंटर हुआ, ये पोलन ट्यूब ऐसे बनती है, अंदर की तरफ जाती जाती है अंदर। फिर ये पोलन ट्यूब में क्या, अंदर सबसे पहले तुम्हें पता है, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसमें ज़रा फोकस करो कि सबसे पहले यहाँ पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है पोलन ट्यूब में। जैसा कि हमने पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन में उसमें पढ़ा था कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्यूब न्यूक्लियस जिसको हमने बोला था, और दूसरे नंबर पर यहाँ नीचे की तरफ एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है जिसका न्यूक्लियस होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जब ये पोलन ट्यूब बनती है तो उसमें सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस एंटर करता है, सबसे पहले ये एंटर करता है, याद रखें। उसके बाद में ये जो जनरेटिव सेल है, पीछे पीछे जनरेटिव सेल यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, अब हमने एक केस पढ़ा था कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में टू सेल्ड स्टेज पर क्या होता है, टू सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। मतलब वहाँ पर ये कंडीशन है कि पोलन ट्यूब में एक तो प्रेजेंट है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक यहाँ पर जनरेटिव सेल है। ठीक है, तो इस टू सेल स्टेज पर वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन 30% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये भी तो पढ़ा था कि ये जो जनरेटिव सेल है ये यहाँ पोलन ट्यूब में आकर के माइटोसिस कर लेती है, पोलन ट्यूब में आके माइटोसिस कर लेती है और क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है दो मेल गैमेट्स। इस जनरेटिव सेल ने यहाँ आकर के माइटोसिस किया और क्या प्रोड्यूस किया, दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए, और आगे की तरफ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे हैं दो मेल गैमेट्स। सो दिस इज द स्टेज आफ्टर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब बनी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस गया, देन जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बना लिए पोलन ट्यूब के अंदर। अब ये पोलन ट्यूब नीचे डेवलप होती रहती है, फिर ये स्टाइल से होकर के ओवेरी में पहुंच जाती है। फिर ओवेरी में पहुंचने के बाद आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, ऑब्ट्यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्ट्यूरेटर्स ये फिलामेंट्स होते हैं जो फ्यूनिकुलस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स।
ये ऑब्ट्यूरेटर्स क्या करते हैं, ये एक ये केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं और गाइड करते हैं टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, उस ओवेरी के अंदर, सॉरी इस ओवेरी के अंदर उसको गाइड कौन कर रहा है अपने पाथ की तरफ, ऑब्ट्यूरेटर्स गाइड कर रहे हैं किसको, पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब को कौन गाइड कर रहा है बोलो, ऑब्ट्यूरेटर्स गाइड कर रहे हैं, यही इसको पाथ दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि जा तू जा एम्ब्रियो सैक के पास जा। ओके सो चलिए पढ़ते हैं। अब ये जो अब इस बेसिस पे कि पोलन ट्यूब कितनी बनती है, अब ऐसे तो है नहीं कि जर्म पोर केवल यहीं प्रेजेंट है, जर्म पोर बहुत जगह प्रेजेंट होते, जैसे यहाँ भी कोई जर्म पोर है तो पोलन ट्यूब यहाँ से भी निकल सकती है, एक निकल सकती है, दो भी निकल सकती हैं, तीन भी निकल सकती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोलन ट्यूब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, आई कैन से वन मोनोसाइफेनस, यानी ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पर केवल एक पोलन ट्यूब बनती है, केवल एक पोलन ट्यूब बनती है, मतलब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन आकर के लैंड करता है और उससे एक ही पोलन ट्यूब निकलती है, बात खत्म। एंड पॉलीसाइफोनस कंडीशन में क्या होता है, पॉली यानी बहुत सारे और बहुत सारी पोलन ट्यूब्स यहाँ पर जनरेट होती हैं, ये कंडीशन देखी जाती है मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में, बोलो मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में पॉलीसाइफोनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन होते हैं, मतलब इसमें पोलन ट्यूब मोर देन वन जनरेट होती है, एक दो तीन ऐसे मोर देन वन पोलन ट्यूब जनरेट होती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई हैव रिटन इन कलर ब्लू, पोलन ट्यूब प्रोड्यूसर्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पोलन ट्यूब ट्रेवल करके जा रही है स्टिग्मा स्टाइल में से, तो स्टिग्मा स्टाइल में पहले से जो टिश्यूज नहीं है क्या, तो फिर ये कैसे जा रही है, कोई ऐसे थोड़ी कुआ है अंदर रस्सी फेंको ना, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पर जो टिश्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसको मारने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये पोलन ट्यूब ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं जो क्या कर लेते हैं, जो ऑलरेडी जो ये जो स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट कर लेती है, बोलो हाँ या ना। क्या बोला मैंने कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम्स पोलन ट्यूब एंजाइम रिलीज करती है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। और मैंने अभी बोला कि ऑब्ट्यूरेटर्स इनको गाइड करते हैं केमिकल्स रिलीज करके, इसका मतलब ये पोलन ट्यूब कैसा मूवमेंट शो करती है, इट शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, इट शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड ओके, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन वाली लाइन, यहाँ से शायद आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो देखो बोरोन एंड कैल्शियम दीज आर द टू एलिमेंट्स एंड स्पेशली बोरोन आर असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड बेस्ट टेम्परेचर इज 20-30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए दो एलिमेंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं, कौन से, एक बोरोन एंड अनदर वन इज कैल्शियम, और स्पेशली इनमें बोरोन चाहिए होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टू एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बोरोन एंड कैल्शियम, एंड बेस्ट टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 20-30 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स जूम ऑन इट, इट इज 20-30 डिग्री सेल्सियस, 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बोरोन एंड कैल्शियम, आप याद कर लेंगे इसको। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, बस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इट इज लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किस में होती है, जिया मेज में, यानी मेज में लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट इन जिया मेज और मेज, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब प्रेजेंट इन जिया मेज और मेज। अब चलो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं और नहीं भी देखे तो आपको क्या पता है सबसे लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है ये भी बताना।
और लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है ये भी बताना। चलो ये तीनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ए बी सी करके। नाउ वी आर स्टडिंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री हम ओवेरी के अंदर कौन गाइड करता है? ऑब्ट्यूरेटर्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन काम करता है ये? ऑब्ट्यूरेटर्स, दीज आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो मैं पता है ये जो टर्म है ना एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये क्या होती है बड़े गौर से सुनना। नाम से समझ में आ रहा है पोलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन, पोलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन। सो चलिए देखते हैं ये क्या है। पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन। मतलब अब एक बात बताओ, जैसे एक पपाया प्लांट है, उसका उसकी कार्पल है, उसकी पिस्टल है, ठीक है। अब वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन को जनरेट नहीं होने जर्मिनेशन नहीं करने देगी वहाँ पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं पपाया प्लांट की कार्पल हूँ, ओके, मेरे पे एप्पल प्लांट का कोई पोलन ग्रेन आकर के गिरा, ठीक है। तो अब एप्पल का पोलन ट्यूब, तो क्या एप्पल का जो पोलन ग्रेन आकर के मेरी स्टिग्मा पर गिरा, तो क्या वो पोलन ट्यूब बना करके एम्ब्रियो सैक तक जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो 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 यहाँ पर मेरी पिस्टिल है, जो मतलब मैं हूँ, मैं पपाया की पिस्टिल हूँ, मैं पहचानती हूँ कि मेरा कौन है, अब मैं पहचानती हूँ कि अपना कौन है और पराया कौन है। कार्पल नोज, पिस्टल नोज कि हु इज एंड हु इज कौन कौन। सो कौन अपना है, कौन पराया, ये कौन पहचानती है? पिस्टल। पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन, वेदर इट इज कंपेटिबल, ये कंपेटिबल है या नहीं, या फिर इनकम्पेटिबल है, ओके। सो वी से दैट ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंटीग्रेशन। बोलो, आई एम सेइंग कि ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन ट्यूब एंटर हुआ स्टिग्मा पर और वो स्टाइल से होकर के जब तक ओव्यूल तक नहीं पहुंचता, ओव्यूल तक पहुंचने में ये जो इतना ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, किसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है? पोलन के बीच में और पिस्टल के बीच में। दिस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सो बड़े सीधे सीधे शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से बात। नाउ अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो रहा है और अब क्या होगा, उसके एंड में एंट्री होगी पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में। तो देखिए वो पढ़ते हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू पोलन एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। अब ये कैसे होगी? थ्रू एग अपैरेटस। अब तुम्हें पता है एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर, चेलाजल एंड की तरफ तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर दो सिनर्जिड्स एंड एन एग अपैरेटस इज प्रेजेंट। सो दिस इज एग अपैरेटस, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग सेल है, ये कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चेलाजल एंड है। सो ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर, इसमें पोलन ट्यूब जनरली यहाँ से एंटर करती है सिनर्जिड्स के थ्रू, एग अपैरेटस से एंटर करती है, और एग अपैरेटस में अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये सिनर्जिड से एंटर करती है। चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। एनी वन ऑफ द सिनर्जिड स्टार्ट डीजनरेटिंग व्हेन द पोलन ट्यूब कम्स नियर एग अपैरेटस। जैसे ही सिनर्जिड को पता चलता है कि ये पोलन ट्यूब है, ये मेरे दर पे आ चुकी है, तब दोनों में से एक सिनर्जी डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है, दोनों में से एक सिनर्जी डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है।
बात समझ में आ रही है ना, दोनों में से एक सिनर्जी डिजनरेट करना स्टार्ट कर देती है जैसे ही पोलन ट्यूब एग अपैरेटस के नज़दीक आती है। पोलन ट्यूब, नाउ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। मैंने बोला अब क्या होगा, अब ये पोलन ट्यूब जो पास में आई थी एग अपैरेटस के, जिसकी वजह से एक सिनर्जिड तो डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया है, ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है डीजनरेटिंग सिनर्जिड से ही, उन्हीं डीजनरेटिंग सिनर्जिड से ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया ये क्या है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग है, यहीं से एंटर करती है डीजनरेटिंग सिनर्जिड से। और पता है मैंने आपको अर्लियर पोर्शन ऑफ चैप्टर में बताया था कि यहाँ पर कुछ फिलीफॉर्म अपैरेटस भी प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स में, फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ऐसी, वही स्ट्रक्चर्स इस पोलन ट्यूब को केमिकल्स रिलीज करके अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ की सिनर्जिड में आओ, यहाँ से अंदर जाओ। ओके, सो फिलीफॉर्म अपैरेटस का भी यहाँ रोल होता है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पॉइंट नंबर टू, पहले पॉइंट में क्या हुआ, जैसे ही एम्ब्रियो सैक के नज़दीक आई पोलन ट्यूब तो क्या हुआ, तो एनी वन ऑफ द सिनर्जिड डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। ज़रा इसको अच्छे से दिखा दिया जाए ताकि हम नोट कर सकें इसको। देन व्हेन टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक, अब जब ये जो टिप है ना पोलन ट्यूब की, ये जैसे एम्ब्रियो सैक में एंटर कर ही लेती है ना, यहाँ से डीजनरेटिंग सिनर्जिड से यहाँ से एंटर कर ही रही होती है ना, तब व्हेन टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक, तब उसी समय जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस जो आगे आगे था, आगे आगे कौन था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे दो मेल गैमेट्स, तो वहीं उसी समय वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। पोलन ट्यूब की टिप जैसे ही एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है तो ही क्या हो जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, और सिनर्जिड तो डीजनरेट हो ही रही थी, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट होने के बाद में ये जो पोलन ट्यूब की टिप है ना, ये जो पोलन ये डीजनरेट हो गया, अभी जो पोलन ट्यूब की जो टिप है ना ये बर्स्ट हो जाती है। ये जो पोलन ट्यूब की टिप है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब इट बर्स्ट, टिप ऑफ पोलन ट्यूब इट बर्स्ट, किस कारण, एंडोस्मोसिस के कारण, कुछ ज़्यादा ही पानी अंदर ले लेती है, एंडोस्मोसिस के कारण ये बर्स्ट हो जाती है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट। अब ये बर्स्ट हो गई तो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर ही चुकी है ये, और ये जो अब बर्स्ट हो गई टिप, तो क्या होगा, ये जो दोनों मेल गैमिट्स होंगे ये एम्ब्रियो सैक में चले जाएंगे, दोनों मेल गैमिट एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर दिए जाएंगे। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल एंड ईजी। अब दोनों मेल गैमिट्स जब पहुंच चुके हैं, दोनों मेल गैमिट्स जब पहुंच चुके हैं एम्ब्रियो सैक में, तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सिंपल। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो अब ये दो मेल गैमिट्स में से एक मेल गैमिट जो एग प्रेजेंट है सिनर्जिड्स के बीच में, उस एग से फ्यूज होता है और जाइगोट बना लेता है, जाइगोट डिप्लॉयड है। और पता है तुम्हें ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है सिनगैमी, पता ही है सिनगैमी। और उसके बाद में ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है सर, मैंने बोला था कि जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना सेंट्रल सेल में, दो पोलर न्यूक्लियाई बीच में, वो यूनाइट होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एक मेल गैमिट के साथ, वो जो एक तो यहाँ गया एक के साथ, एक मेल गैमिट के साथ क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, PEN, पेन का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये ऑलरेडी एक ऐसा है डिप्लॉयड है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस के फ्यूज होने से बना है, और ये एक मेल गैमिट है, ये हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड मिलकर के ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, 3N, थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
अब ये जो प्रोसेस है, जैसे उस ऊपर वाले को सिनगैमी बोला था, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, यहाँ एक बार फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ये सुन रहा हूँ। ओके, अब ज़रा नीली लाइन में लिखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेंट्रल सेल जो होती है ना फर्टिलाइजेशन के बाद, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है। सेंट्रल सेल में ये जो न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट है फ्यूजन के बाद ट्रिप्लॉइड। तो सेंट्रल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, और यही आगे जा करके एंडोस्पर्म कहलाती है। और एंडोस्पर्म क्या फंक्शन करता है हमें पता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब कुछ बची खुची बातें एक दो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑल, अब देखो, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, सारी प्रोसेस हो गई। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है कि जो बाकी सारी सेल्स थी ना, जैसे एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स भी थी और भी बाकी जो चीज़ें थी वो कहाँ गई, सिनर्जिड्स बाकी की एक बची थी वो सब कहाँ गई, बताओ। वो डीजनरेट हो जाती है। यही लाइन मैंने लिखी है कि ऑल रिमेनिंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक लाइक एंटीपोडल सेल्स, एक सिनर्जिड, डीजनरेट एक्सक्लूडिंग जाइगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट को छोड़ करके सारी की सारी डीजनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जाइगोट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल। अब इस टाइम पर ये जो जाइगोट है ये कसर नहीं छोड़ता, ये जो डीजनरेटिंग तो है ये पहले से खत्म होने वाली है, पता है इसको एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, तो इनसे सारा खाना ये प्राप्त कर लेती है, ठीक है। बाद में ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जो फिर कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आपने प्रॉब्ली प्लांट डाइवर्सिटी में आपने सुनी होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में, जहाँ पे कई बोलते हैं जूडियो साइफेनोगैमस, साइफेनोगैमस प्लांट्स। तो व्हाट आर दिस, साइफेनोगैमी क्या होती है? साइफेनोगैमी इज अ फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ फर्टिलाइजेशन इन विच नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट थ्रू पॉलन ट्यूब। साइफेनोगैमी क्या है? यही पूरी साइफेनोगैमी तो है। क्या है साइफेनोगैमी? कि इट इज फर्टिलाइजेशन इन विच नॉन मोटाइल गैमेट्स, यहाँ पर ये गैमेट्स नॉन मोटाइल ही तो थे प्लांट में जो हमने अभी पढ़े, आर कैरिड टू फीमेल गैमेट, फीमेल गैमी को कैरी गैमेट तक कैरी कर रहे थे, पॉलन ट्यूब कैरी कर रही थी थ्रू पॉलन ट्यूब, दिस इज नोन एज साइफेनोगैमी। सो साइफेनोगैमी इज अ फर्टिलाइजेशन इन विच द नॉन मोटाइल मेल गैमेट इज कैरिड टू फीमेल गैमेट वाया पॉलन ट्यूब। सो दिस इज ऑल अबाउट साइफेनोगैमी एंड फर्टिलाइजेशन। तो अब हम फर्टिलाइजेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, और बड़ा पसीना आ रहा है। और अभी हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके बाद इस चैप्टर का काम तमाम नहीं होगा। उसके बाद में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा चिन्ना चिन्ना पढ़ना पड़ेगा। सो अभी कुल मिलाकर के 3 वीडियोस का मैटर और बचा है, तो चलिए आगे के भी 3 देखिए। यहाँ तक देखा है तो पढ़ा है तो पूरा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।